महिला को बेचा था नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन, महिला ने तोड़ा दम। राजधानी में इस समय नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने वाला गिरोह सक्रिय है। ग्रुप के सदस्य नकली कोरोना इंजेक्शन के नाम पर महंगे दामों में लोगों को धड़ल्ले से इंजेक्शन बेच रहे हैं। एक ऐसा ही मामला लक्ष्मीनगर इलाके में सामने आया है। एसएस राठौर ने अपनी पत्नी के इलाज के लिए ललित गुप्ता नाम के व्यक्ति से 4 रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीदे, जिसमें एक की कीमत 26,000 रुपए थी। इस दौरान इंजेक्शन अपनी पत्नी जो कि कोरोना संक्रमित थी उनको लगवाया, जिसके लगने के बाद राठौर की पत्नी की हालत और ज्यादा बिगड़ गई, जिसके बाद उसकी पत्नी की मौत हो जाती है। उसके बाद उनको सोशल मीडिया के माध्यम से डीसीपी मोनिका भारद्वाज का ट्वीट सामने आया, जिस ट्वीट में डीसीपी मोनिका ने रेमडेसिविर इंजेक्शन के असली और नकली की पहचान बताई गई थी और फर्जीवाड़ा कर रहे इस गिरोह से सावधान होने की बात कही, जिसको देख परिवार ने तुरंत उसकी पहचान कर रेमडेसिविर इंजेक्शन को नकली पाया, जिसके बाद तुरंत उनकी बेटी आयाना ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को ईमेल के जरिए शिकायत की। उसके बाद थाना मंडावली में ललित गुप्ता के नाम की शिकायत दर्ज कर ली गई, जिसके बाद पुलिस ने ललित गुप्ता नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। मेरा नाम आयाना राठौर है। आयाना जी, क्या हुआ था आपके जो इंजेक्शन जो मिला था, आपको क्या कैसे क्या था मामला? दरअसल इंजेक्शन देना बहुत रिक्वायर्ड था, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था उनकी कंडीशन धीरे धीरे नीचे जा रही है, आईसीयू बेड की जैसे सबको पता है प्रॉब्लम थी। तो हमने उनसे एक रेफरेंस से जो नंबर मिला था उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी। इंजेक्शन जब मिले थे तब भी थोड़ा सा शक हुआ था कि गलत हो सकते हैं। हमने उनसे तभी बोला कि आप एक बार चेक करवा लीजिए, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं हमारे यहाँ भी सबको यही लग रहे हैं, आप ले लीजिए। 2 इंजेक्शन हमने उनसे रोहिणी से पिक करे थे और 2 उन्होंने हमें अक्षरधाम दिए थे, और जितनी बार भी उनका कॉल आया उन्होंने पेमेंट बढ़ाते गए। और उसके बाद फिर हमें जब लास्ट में ट्वीट आया कि तब तक मेरी मदर की क्रिटिकल थी सिचुएशन, बट वो उनकी डेथ नहीं हुई थी, तो जैसे ही हमें मिला तो हमने उनसे तब भी रेफर करने की कोशिश करी कि आपने अगर कहीं से लिए हैं आप उसका सोर्स पता कर लीजिए, हम कंप्लेंट डालेंगे, क्योंकि डॉक्टर ने भी बोल दिए कि ये नकली है। फिर लेटर ऑन 3rd मई को मेरी मदर एक्सपायर हो गई, और क्योंकि इंजेक्शन टाइम से मिल जाते तो उनका इन्फेक्शन ठीक हो सकता था, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई। फिर कंप्लेन करने की कोशिश की गई तो एज यूजुअल कभी किसी जूरिस्डिक्शन का प्रॉब्लम आया। फिर अल्टीमेटली लास्ट सोर्स ये था कि मैंने कंप्लेन डाली सीपी को, कमिश्नर ऑफ पुलिस को वाया मेल, तो वो जाके रेगुलेट हुई, उसके बाद एक FIR लॉन्च हुई। तो इसके बाद मतलब गिरफ्तारी हो गई उनकी, क्या है? हाँ जी, उसके बाद अभी तो वो गिरफ्तार हो गए थे, अभी 2 दिन की उन्हें कस्टडी मिली है। वैसे उनकी वाइफ बहुत इन्वॉल्व थी इस चीज़ में, वही बात करती थी, वही सब कुछ डिस्कस करती थी। तो नाम उनका से वाइफ का नहीं पता। देखा जा रहा है जैसे अभी लोग इस महामारी से जूझ रहे हैं, लोग अपने मुनाफा के लिए नकली सामान बेच रहे हैं, इसके लिए आप क्या करना चाहते हैं? सर थोड़े से पैसे, वही है कि सब कोई पैसे करना चाह रहा है। उस टाइम पे भी अगर ये लोग पैसे ना देख के ये देख लेते कि ये नकली है, तो शायद वो 4 जगह और 4 इंजेक्शन लगने, क्योंकि टाइम था 6 दिन का, तो हमें ओरिजिनल मिल जाते, हम ढूंढ लेते, हमें पैसे की भी दिक्कत नहीं थी, बस एक बार कन्फर्मेशन मिल जाती कि वो सोर्स गलत है। पर ये है ना कि अब वो चाहते हैं कि हमें पैसे मिल जाए, हम किसी तरीके से इसको रोक लें, पर कितना भी पैसा लगाओ पर मदर नहीं आ सकती, मेरे फादर अकेले हैं, मैं सिंगल चाइल्ड हूँ। जी क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम AS राठौर है। राठौर जी, आपके साथ क्या घटना हुई थी? हमारी पत्नी साधना राठौर, उन्हें कोविड पॉजिटिव थी, उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, तो उन्हें 22 तारीख को हमने LNJP हॉस्पिटल में एडमिट कराया। वहाँ डॉक्टरों ने बताया कि इन्हें रेमडेसिविर इंजेक्शन की सख्त ज़रूरत है, अगर कहीं हो तो आप मिल जाएं। तो हमें फिर एक रेफरेंस नंबर से एक ललित गुप्ता का नंबर मिला और हमने ललित गुप्ता से बात की, तो उन्होंने मुझे 2 इंजेक्शन दिए, 25,000 के 2 दिए मुझे यहाँ अक्षरधाम मंदिर से, 26,000 के। और बाद में जो वो इंजेक्शन मैंने लगवा लिए, उसके बाद पता लगा कि DCP मोनिका भारद्वाज ने कोई रैकेट पकड़ा, तो उन्होंने एक ट्वीट में दिखाया कि यहाँ नकली इंजेक्शन बहुत चल रहे हैं और असली ये है। तो हमने उस फोटो से जब मिलान किया तो हमने जो लगवाए थे इंजेक्शन थे वो नकली थे। तो हमने इस संबंध में, क्योंकि 2 इंजेक्शन इन्होंने अक्षरधाम मंदिर, अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन पे दिए थे, इसलिए जो इंजेक्शन मडावली थाने में बनती, तो वहाँ कंप्लेंट की और उन्होंने FIR दर्ज कर ली। उन्होंने उस बंदे को, ललित गुप्ता को पकड़ लिया, और ललित गुप्ता के साथ उनकी पत्नी, दोनों लोग थे वहाँ, दोनों लोग आते थे कार से, दोनों लोग ही हमसे पैसे लेके चले गए, 2 25,000 के लिए, 2 26,000 के लिए। हमारी पत्नी के रिकवर होने के बजाय उनकी डेथ हो गई, जो है डेथ होने के बाद फिर हमने इसकी कंप्लेंट, तो इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया आपने? हाँ, इन्होंने ललित गुप्ता पकड़े गए हैं, पुलिस ने 2 दिन की पुलिस कस्टडी मिली हुई है जो है, और पता लगाने के लिए। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।